हेलो प्रणाम नमस्ते शमन सलाम बुजुर्गदा पहलागो। आशा च दोस्तों आप लोगों की होली बहुत अच्छी गुजरी होली, तो आप सभी लोगों का मुबारक। तो दोस्तों कैसे हो, आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आप सभी लोगों की होली अच्छी गुजरी होगी। तो मैं आपका दोस्त प्रदीप जाल आज आपको ले चलता हूँ अपने गांव में, जहाँ कि आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ों में किस तरीके झाड़ू बनाया जाता है। मेरे हाथ में ये घास है, ये कोई ख़ास घास है, इस घास से पहाड़ों में इसे गढ़वाली में थामू हिंदी में रिंगाल, तो रिंगाल के झाड़ू पहाड़ों में बनाए जाते हैं दोस्तों। तो अब कैसे बनाए जाते हैं, तो आप देखिए इस घास की गड्डियाँ बनाई जाएंगी और इसके बाद इन गड्डियों को ऐसे रिंगाल से बांधा जाएगा जैसे कि रिंगाल से बांधा है, और उसके बाद इनको नीचे ज़मीन में मारकर बराबर किया जाएगा। और उसके बाद आपके पास वायर है तो वायर से बांधो, रस्सी है तो रस्सी से बांधो। पुराने तरीके से रिंगाल की जो छाल होती थी उसको छल बोलते हैं हम, उससे बांधा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, चलो आज आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे झाड़ू तैयार करते हैं। जैसे ही मेरे हाथ पे एक पुराना झाड़ू दिख रहा है आपको, तो बाद में ऐसा हो जाता है उसकी पत्तियाँ सूख के गिर जाती हैं, तो एक इस टाइप का झाड़ू बन जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलो फिर चलते हैं। जो यहाँ पे घास गड्ढी बनाई जा रही है, ये रिंगाल गड्ढी बना है, ये झाड़ू तैयार हो रहा है यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं सभी लोग लगे हैं परिवार के झाड़ू बनाने पर, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे जब ये बड़ा सा बोझा है, ये रिंगाल का बोझा है जिसे हम गढ़वाली भारा भी बोलते हैं। भारा का मतलब काफी, जिसमें काफी भार हो, काफी इंसान की एक लिमिट होती है 30, 40, 50 किलो का, 60 किलो का, जो भी हुआ 60-70 किलो का जो भी होता है उसको लेके आते हैं जंगल से, इतना वेटेड होता है ये पूरा भारा, यानी कि पूरा बोझा। तो अब रिंगाल लगाने के बाद अब इसको टाइट से जितना भी टाइट किया जाएगा उतना बांधा जाएगा, क्योंकि इतना टाइट बांधा जाएगा उसको जिससे कि वो बाहर से एक भी स्टिक बाहर न निकले और मजबूत रहे। वास्तव में ये हमारे रिंगाल का जो झाड़ू होता है हमारे पहाड़ों में, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बहुत मजबूत होता है। तो दोस्तों देखिए आप, तो लगभग आज सुबह से यहाँ पर 30-35 झाड़ू रेडी हो चुके हैं। तो ये मैंने लाल रस्सी का ये जो झाड़ू है, मैंने खुद ये रस्सी से बांधा है, मैंने सोचा इसको नए तरीका से बनाया जाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी, क्योंकि ये रिंगाल की छाल निकाली जा रही है आप देख रहे होंगे, और बाद में इसी से उस रिंगाल की गड्डी को बांधा जाएगा। तो इसको निकालने के बाद बताऊंगा फिर आपको आगे का वीडियो। काफी मजबूत और अच्छी तरह बांधा मैंने उसको भी टाइट करके। तो फिर तो दोस्तों मैं कहता हूँ ये पहाड़ की जो हमारी परंपरा है वो बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ जो तरीके से काम किया जाता था, बहुत कुछ ऐसे तरीके हैं, परंपरागत तरीके ऐसे हैं कि जो कि समाप्त हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इंटरेस्ट लें इस वीडियो बनाने का, मेरा यही उद्देश्य है कि हम सभी लोग देखें, अप्रिशिएट करें और कुछ
परंपराएं ऐसी हैं कि इनसे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जो ये होममेड ब्रूम भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल इंडिया में सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग अपने घर का प्रोडक्ट तैयार करें, तो जब बैठें तो लगें सभी लोग झाड़ू बनाने पे और एक स्वच्छ भारत अभियान में सेव कर रहे हैं लोग और फिर झाड़ू भी तैयार कर रहे हैं। हम बंद हो गए यार, और ज़रूरी है, और दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि हम सभी लोग सिर्फ बनी बुनी चीज़ को यूज करके खुद बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मार्केट में सभी चीज़ें मिलती हैं, मार्केट में सभी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब हम लोग गांव में रहते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे रस्सियाँ तैयार कर लेते हैं हम लोग, हल तैयार कर लेते हैं गांव में, रस्सियाँ तैयार करते हैं, हल तैयार करते हैं, झाड़ू तैयार करते हैं, और यहाँ तक हमारे घर में अब तो ईंटें भी आ रही दुकान से, पहले तो ईंट भी नहीं आती थी दुकान से, हम पत्थरों से मकान बना लेते थे, लेंटर भी नहीं डालते थे, पत्थरों और पठालों से ढक लेते थे और लकड़ी, पहले लकड़ी रख के उसके ऊपर पटेला रख के, पटेला मतलब जो लकड़ी का बना होता है और उसको रख के उसके ऊपर से पठाली में ना पत्थर की बड़ी पतली सी एक पठाल होती है वो लगाई जाती थी और घर तैयार हो जाते थे। लेकिन चलो, लेकिन वो घर मुझे आज भी याद है, उन घरों में ठंड के टाइम गर्म होता था और गर्मी में ठंड होता था। तो चलो दोस्तों, बहुत कुछ हो गया आज, नमस्कार, धन्यवाद। चलो बात करते हैं इन लोगों से, यहाँ पर झाड़ू के बारे में बात करते हैं। तो कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, क्या कहना उनसे लूँगा आप देखूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिन झाड़ू की कीमत बाज़ार में 50 रुपया, 100 रुपया, 30 रुपया होती है, हमारे घर में मुफ्त में मिलता है। अगर चाहे किसी को तो आए, देखो आप देख सकते हैं। मामा जी कमड़े जा झाड़ू था, यो मामा जी पड़े। हाँ, तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि किसी घर में सभी लोग एक साथ मिलकर सभी लोग ऐसा काम करते एक दूसरे का, तो ये झाड़ू बनाया गया है मेरे पिताजी हैं, ये हमारे गांव के सरपंच रामचंद्र जी हैं। तो सरपंच साहब कैसा है आपका झाड़ू? झाड़ू अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा गंगा कहते बोलते मामा जी हो बोल तो तक ठाड़ पाना पिया ना तो अंदर नजर जाली जो गिलास पानी वाला की बोल अच्छा गिलास पे जो पानी ठाट गो अंदर नजर जाली से भी बने लगे चलो आपने सुना। ऐसे ही इस प्रकार से इनको काटा जाता है, आगे का जो लंबा भाग होता है उसको काटा जाता है ताकि बराबर बन सके झाड़ू, आप देख रहे होंगे, और इसको बराबर किया जा रहा है, ये देखो ये बराबर बनाया जा रहा है इसको, और बराबर करने के बाद ये झाड़ू पीछे से ठोकने के बाद आगे से भी बराबर किए जाएंगे, ये देखो पीछे से ठोका और आगे से इसको बराबर कर दिया जाए, इसके बाद इनको संभाला जाएगा। अब जैसी ज़रूरत होगी, कोई आएगा रिश्तेदार भी ले जाएगा, कोई रिश्तेदार आकर उनको भी चाहिए हो वो भी लेके जाएंगे, और देख सकते हैं आप ये देखो आप खुद आगे से इनको काटा जाएगा बराबर पकड़ के, देखो बराबर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, आशा है कि मैं आप लोगों को पहाड़ से जुड़ा एक और नया ट्रैक और पहाड़ की नई एक और गतिविधि आपके सामने लाऊं। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की परंपरा, पहाड़ के तौर तरीकों को देखना चाहते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। ये पूरा का पूरा झाड़ू का गड्ढा है।
तैयार।